हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों, आज हम जानेंगे HCG के बारे में। हिकोग इंजेक्शन मार्केट में चलता है, ये कहाँ इस्तेमाल करना, कैसे देना, क्यों दिया जाता है, क्या इसका साइड इफेक्ट हो सकता है, क्या डोज होता है, सब कुछ जानेंगे। सो देखते रहिए दोस्तों। यहाँ पे HCG की बात की जाए तो ये एक नॉर्मल सा हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी में बनता है, महिला के शरीर में तब बनता है जब वो प्रेगनेंसी कंसीव करती है। तो HCG का मतलब क्या होता है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। अभी क्या होता है कि ये हार्मोन बहुत सारी चीज़ों को करता है हमारी बॉडी में, बहुत सारी इनफर्टिलिटी, स्पर्म काउंट बढ़ाता है, बहुत तरह तरह के काम करता है, लेकिन कई बार ये कम हो जाता है या नेचुरली भी कम होता है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर्स को बाहर से देना होता है इंजेक्शन के फॉर्म में। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि भाई HCG हार्मोन है जो कि आपको अगर इसकी कमी होगी तो आपको डॉक्टर देगा। तो इसके कुछ ब्रांड्स भी आते हैं मार्केट में, उनको भी समझ लेते हैं। देखो भाई, सिफासी आता है, सिफासी HP आता है, हिकोग इंजेक्शन आता है, बहुत ही फेमस है हिकोग। उसके अलावा लूपी सिफ, लूपी HCG आता है, ये कुछ इसके ब्रांड्स आते हैं और इनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। और ये मैंने आपको बताया पुरानी वीडियोस में कि भाई जो भी हार्मोन प्रिपरेशंस होती हैं, ये जो अगर इंजेक्शन के फॉर्म में आएंगी तो वो इंटरनेशनल यूनिट में आती हैं अधिकतर। तो इसके तीन तरह की स्ट्रेंथ में मिल जाता है मार्केट में। अगर आप HCG इंजेक्शन लेने जाते हो तो आपको 2000 IU का मिलेगा इंटरनेशनल यूनिट, और 5000 इंटरनेशनल यूनिट, और 10000 इंटरनेशनल यूनिट। तो जैसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर उस हिसाब से आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो इसकी कीमत भी जो है 300, 600 और 2000, 1500 तक पहुंच जाती है, जैसा आपको स्ट्रेंथ का लेना है, काफ़ी महंगा पड़ता है। ठीक है, तो ये बात हो गई कि भाई ये इंजेक्शन आपकी बॉडी में एक हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की तरह दी जाता है, मतलब कि आपकी बॉडी में कम हो गया तो बाहर से दे रहे हैं। दोस्तों, ये होता है HCG इंजेक्शन। अब समझते हैं कि इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, डॉक्टर कहाँ कहाँ लिखता है। देखो भाई, काफ़ी महंगा इंजेक्शन है ये। क्या होता है कि इनफर्टिलिटी में ज़्यादातर चलता है, महिलाएं होती हैं उनको बच्चे नहीं होते, मतलब कि उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होता हो पाती। देखो भाई, प्रेगनेंसी होती कैसे, आदमी का स्पर्म चाहिए और महिला का ओवम चाहिए, और उनका फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है, रिप्रोडक्शन होना जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ रुक जाती है तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। तो क्या होता है कि फीमेल के अंदर ओवम प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, अंडा ज़्यादा बने, अच्छा बने, उस कंडीशन में इसको लगाती हैं महिलाओं को। ठीक है, तो इससे क्या इनफर्टिलिटी को भी दूर किया जा सकता है। उसके अलावा कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है महिला के साथ कि भाई उनको यूटेरस के कैंसर्स वगैरह हो जाते हैं। तो यूटेरस के कैंसर में क्या होता है कि भाई उसके साथ बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस भी आ जाते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए भी दिया जा सकता है। साथ में कई बार अर्ली प्यूबर्टी, मतलब कि कई बार क्या होता है समय से पहले ही ऐसे लक्षण डेवलप हो जाते हैं आदमी के अंदर, बच्चों के अंदर, कि जो डाढ़ी मूछ आ गई, महिलाओं के ब्रेस्ट बड़े बड़े हो गए लड़कियों के, तो उस कंडीशन को रोकने के लिए भी इसको दिया जाता है। तो अर्ली प्यूबर्टी को कंट्रोल करने के लिए भी देते हैं। ठीक है, और कई बार ऐसा देखा गया कि आदमी के शरीर में, मतलब मेल के शरीर में स्पर्म काउंट कम हो जाता है। ठीक है, तो उन स्पर्म के काउंट को भी बढ़ाने के लिए इसको दिया जाता है। स्पर्म काउंट क्या होता है, स्कोटम में होता है, टेस्टिस के अंदर। ठीक है ना, तो ये भी क्या हार्मोन से ही कंट्रोल होता है। तो उस कंडीशन में स्पर्म के काउंट को बढ़ाने के लिए इसको दिया जाता है आदमी में। ठीक, गायनेकोमेस्टिया एक बीमारी होती है आदमी में, ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए भी HCG का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये कुछ इसके यूजेस मैंने आपको बताया कि भाई ये इसी तरह की कंडीशंस में यूज़ किया जाता है। अब बात करें दोस्तों कि इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस की, कि भाई कहाँ कहाँ नहीं देना। देखो भाई, अगर किसी को कोई महिला ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, मतलब कि बच्चों को दूध पिला रही है, तो उसको नहीं देना। ठीक है, क्योंकि इसको प्रेगनेंसी को लाने के लिए किया जाता है, प्रेगनेंसी कंसीव हो सके इसलिए दिया जाता है, ना कि प्रेगनेंसी के दौरान देना। प्रेगनेंसी के दौरान नहीं दिया जाता, अगर प्रेगनेंसी चल रही है, 9-7 महीने हो गए, तब बिल्कुल नहीं देना। महिला बच्चों को दूध पिला रही है, नहीं देना। ठीक है, कई बार देखा गया कि इसको लगाने के बाद ब्रेस्ट में दर्द होता है, क्योंकि भाई ये हार्मोनल इंजेक्शन पूरी बॉडी को हिला के रख देता है, तो क्या होता है कि ब्रेस्ट में खिंचाव आता है महिला के। तो इसके साथ कुछ साइड इफेक्ट यही देखने को ज़्यादातर मिलता है कि इसके साथ ब्रेस्ट में थोड़ा खिंचाव होता है। ठीक है, कई महिलाओं के ब्रेस्ट बड़े हो जाते हैं, तो इसका क्या ये साइड इफेक्ट है। इसी का यूज़ कई लोग एडवांटेज ग्रुप में करते हैं, उनको ब्रेस्ट बढ़ाना होते हैं, तो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के दौरान HCG भी लगाया जाता है, उसके साइड इफेक्ट का यूज़ किया जाता है, तो इससे ब्रेस्ट भी बड़े हो जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि इसके साइड इफेक्ट को हम समझते हैं थोड़ा डिटेल में, क्या क्या हो सकता है। देखो भाई, ब्लोटिंग हो जाएगी। ठीक है, ब्लोटिंग मतलब पेट में गैस वगैरह बढ़ेगी और ये सब समस्याएं होंगी। उसके अलावा पेल्विक एरिया में, मतलब कि जो महिला के निचला हिस्सा एरिया होता है, वहाँ पे दर्द होगा, बहुत तेज़ दर्द होगा। ठीक है, कई बार होता है ऐसा, एब्डोमिनल पेन हो जाता है, पेट में भी दर्द हो जाता है, और कई बार देखा गया कि गायनेकोमेस्टिया भी डेवलप हो जाता है। गायनेकोमेस्टिया का इलाज में तो देते हैं, बट नॉर्मल आदमी में ये स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए देंगे तो गायनेकोमेस्टिया डेवलप हो जाता है। कई बार एक्ने डेवलप हो जाते हैं, फुंसियाँ वगैरह आ जाती हैं चेहरे पर। तो ये इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। बात करें इसके डोजेस की, देखो भाई ये पाउडर के फॉर्म में आता है, इसके साथ में एक सोडियम क्लोराइड का लिक्विड आता है, उसको इसमें मिक्स करना रहता है,
सोडियम क्लोराइड के लिक्विड में, और आपको ये लगाना रहता है, इसको आप रख के छोड़ नहीं सकते, ये अदरवाइज ख़राब हो जाता है। तो इसको आपको इंट्रा मस्कुलर या सबक्यूटेनियस लगाना, नस में नहीं लगाना, इंट्रावीनस नहीं लगाना। या तो आप सबक्यूटेनियस जो त्वचा होती है उसके अंदर लगा सकते हैं डर्मिस वाले एरिया में, या तो मांस में लगा सकते हैं, कमर वगैरह, या कहीं पर भी हाथ में, कहीं पर भी आर्म में लगा सकते हैं। तो हफ्ते में ज़्यादातर एक ही देखा गया, तो हफ्ते में एक से इंजेक्शन से काम हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि कितनी सीवियरिटी है या क्या है स्थिति, ठीक है। कई कई कंडीशंस में महीने में एक भी लगता है, तो वो डिपेंड करता है कि क्या मेडिकल हिस्ट्री है, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों ह्यूकोक इंजेक्शन या HCG का इंजेक्शन, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट लगाते हैं अधिकतर महिलाओं को इनफर्टिलिटी के लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना है दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक करो, ना है चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, बंदे।